सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो चुकी हैं और बॉलीवुड के कई बड़े नामों का ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा है। कंगना रनौत ने ओपनली कहा है कि आधे बॉलीवुड का ड्रग यूज का टेस्ट होना चाहिए और एक इंटरव्यू में भी कंगना ने खुलासा किया कि ज्यादातर बॉलीवुड एक्टर्स पानी की तरह ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, लेकिन बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन काफी पुराना है और अब तो ऐसा लगता है कि बॉलीवुड ड्रगवुड बन गया है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड से जुड़े कुछ ऐसे लोगों की जिनका नाम ड्रग्स से जुड़ चुका है। ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड में जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं वो हैं संजय दत्त। अपने ड्रग एडिक्शन पर ओपनली बात करते हुए एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने खुद इस बात को कबूला था कि ऐसा कोई ड्रग नहीं जो उन्होंने ना किया हो। अगर आपको याद हो तो बिल्कुल यही बात संजय दत्त की बायोपिक में रिहैब के एक सीन में दिखाई गई थी। ड्रग्स मामले में संजय दत्त करीब 5 महीने तक जेल की हवा भी खा चुके हैं। फरदीन खान का नाम भी ड्रग्स मामले में सामने आ चुका है। साल 2001 की बात है जब पुलिस ने फरदीन खान को कोकीन खरीदते हुए पकड़ा था, लेकिन 2011 में फरदीन ने कोर्ट में अपने खिलाफ मुकदमा न चलाए जाने के लिए अर्जी दी थी जिसे मंजूर कर लिया गया था। अब बात कर लेते हैं रणबीर कपूर की, जिन्होंने संजू फिल्म में ड्रग एडिक्ट संजय दत्त को पोर्ट्रे किया था। जी हाँ, नीतू सिंह और ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर भी ड्रग्स लिया करते थे। इंटरव्यूज के दौरान रणबीर ने रिवील किया था कि महज 15 साल की उम्र में वो ड्रग्स लेते थे और फिर उनको लत लग गई। कहा जाता है कि रॉकस्टार फिल्म के दौरान भी रणबीर कपूर ने ड्रग्स ली थी। प्रतीक बब्बर ने ओपनली ये एडमिट किया है कि वो ड्रग एडिक्ट थे और ये लत उन्हें तब लगी जब वो सिर्फ 13 साल के थे। प्रतीक का कहना है कि वो ड्रग्स पार्टी गोअर्स की तरह रात में नहीं बल्कि अपने दिन की शुरुआत ही ड्रग्स से किया करते थे। अब बात कर लेते हैं मशहूर रैपर हनी सिंह की। यो हनी सिंह ड्रग्स और शराब के एडिक्ट हो चुके थे। हनी सिंह रिहाब सेंटर भी गए और अब इस लत से वो बाहर निकल चुके हैं। तो अब बात एक समय में बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शुमार मनीषा कोइराला की, जिन्हें ड्रग्स और शराब की लत लग गई थी। कहा जाता है कि अपने पति सम्राट दहल से रिश्ते खराब होने के कारण वो एडिक्शन का शिकार हो गई थी। कैंसर को मात देने वाली मनीषा अब इस लत को छोड़ चुकी हैं। तो ड्रगवुड में तब्दील होते बॉलीवुड के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।